Hey everyone, welcome to Yachana Science Classes. My name Ankit Dixit. इससे पहले वीडियो में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल के बारे में क्या था कि जब वोल्टेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब मोर नेगेटिव होगा। इससे पहले वीडियो में हमने किया था। तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी का इफेक्ट चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हमने अलग रखेंगे लेकिन इंटेंसिटी को हमने क्या रखा, फिक्स रखा। केस है व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी क्या अलग अलग है लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ओके, इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो लाइट आएगी, जो यहाँ पे लाइट आएगी इस एमिटर के ऊपर फॉल करेगी, वो फिक्स है। मान लिया कि वो एक सेकंड में 1,000,000 लाइट आ रही है, इसके ऊपर टकरा रही है, मान लिया, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी क्योंकि अपनी एनर्जी को इसको दे देगी, एमिटर को दे देगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगी, ठीक है। जो लाइट आ रही है उसकी हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। जब हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है, वो चेक करेंगे इसमें। ओके, तो इस केस में क्या है, यहाँ पे V01 का मतलब क्या है, स्टॉपी पोटेंशियल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू वन। जो लाइट आ रही थी नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू वन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू टू, तो उसका स्टॉपी पोटेंशियल कितना आएगा, V02 आएगा। तीसरी वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू थ्री है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, V03 आएगा। ओके, इतना हुआ। अब ये फ्रीक्वेंसी न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, इन तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तीनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू, ग्रेटर देन न्यू वन। सबसे कम क्या है वहाँ फ्रीक्वेंसी, न्यू वन। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू थ्री। जो ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, ये एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पे क्या किया है हमने, वाई एक्सिस लिया है, वाई के लॉन्ग लिया है फोटो करंट, और एक्स के लॉन्ग लिया है हमने पॉजिटिव पोटेंशियल। ओ ओरिजिन है, यहाँ से इधर अगर लेफ्ट की चलते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो लेस नेगेटिव मान लिया, जैसे हमने करते थे -1, -2, -3, -4, ऐसे ग्राफ बनाते थे ना। तो मान लिया न्यू वन क्या है, वन है, मान लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसे धीरे 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 इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये वाले पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्या होता चलेगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा इसका, न्यू वन का तो ग्राफ ही आएगा। अब न्यू टू है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू टू है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू आएगी तो क्या होगा, ज़्यादा है किससे, न्यू वन से ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा आएगी तो ये मान लिया टू है, मतलब मान लिया -2 आया तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तब ये स्टार्ट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमने पीछे किया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जल्दी से यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये केस आया, तो धीरे धीरे ग्राफ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये फिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो तो फिक्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब थर्ड है फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया। जब हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो मोर नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए इस लाइट क्या था, जैसे ये किया था हमने यहाँ पे, ये क्या लिया था हमने यहाँ पे, ये कंडक्टर लिया था, मेटल की प्लेट थी, यहाँ पे लाइट आई, आई आया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको
लाइट आई आई ज़्यादा आएगी तो क्या करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या करेंगे, भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और ये क्या होता जाएगा, मोर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको नेगेटिव, इस नेगेटिव को क्या करेगा, रोकेगा। तो मोर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, जो इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। ज़्यादा पोटेंशियल मतलब नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये रुकेगा ना। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने से नहीं रुकेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा ना इसको रोकने के लिए। जब ज़्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, करंट भी क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ था, तो इसलिए क्या आएगा, ये क्या आएगा, न्यू थ्री का ग्राफ ऐसे आएगा। और ये तीनों क्या आएंगे, आपस में जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगे, जो क्या होता है, सैचुरेशन करंट होता है, जो फिक्स हो जाता है आगे जाके, क्योंकि लाइट तो 1,00,000 आ रही थी ना, हमने किया था 1,00,000 है, 1,00,000 लगा लो या 10,00,000 लगा लो, ये फिक्स थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, फिक्स थी। तो मेटल से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे, क्या थे, मेटल से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो तो क्या है, फिक्स ही है ना, ठीक है, वो तो फिक्स रहेंगे, ओके। तो ये ग्राफ, ये केस था इसका, फ्रीक्वेंसी का और पोटेंशियल का। नेक्स्ट केस है, सेकंड केस है, अब हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा, फिक्स, लेकिन इंटेंसिटी को क्या रखा है, अलग अलग। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक बार हमने 1,00,000 लाइट डाली 1 सेकंड में, फिर हमने अगले अलग नेक्स्ट सेकंड में हमने 2,00,000 लाइट डाली, तीसरी सेकंड में हमने 3,00,000 लाइट डाली, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, ठीक है। कौन सा डायग्राम है, पर देख लो इसको, ये केस है। मान लिया हमने यहाँ पे क्या किया, लाइट को बढ़ाते गए, कम लाइट, फिर ज़्यादा 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 लाइट, मीनिंग लाइट को हम बढ़ाते गए। जब लाइट बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेगी, मोर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। जब वो मोर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट भी क्या आएगा, ज़्यादा बनेगा ना, क्या बनेगा, ज़्यादा, ठीक है, क्या बनेगा, ज़्यादा। तो यहाँ से क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉन्स्टेंट बट इंटेंसिटी इज डिफरेंट, ओके। तो I3 क्या है, दिस इज नॉट करंट, ये इंटेंसिटी है। थर्ड वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, सेकेंड वाली लाइट की इंटेंसिटी उससे थोड़ी कम है, फर्स्ट वाली की इंटेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये कलर हमने वैसे शो किया हुआ है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। I1 जिसकी इंटेंसिटी कम उसका करंट भी क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए ये नीचे रहेगा। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा उसका करंट क्या आएगा, ऊपर आएगा, मोर, क्योंकि ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज होगी। लेकिन हमने क्या किया है, पोटेंशियल फिक्स रखा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, कॉन्स्टेंट। जब फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो तीनों का कॉन्स्टेंट क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा। मतलब मीनिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसको हमें रोकना है, कहाँ तक, यहाँ से जाने के लिए, तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो तीनों का पोटेंशियल क्या आया, सेम, जिस पे क्या हो जाएंगे, वो तीनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये केस था इसमें। नेक्स्ट केस है, थर्ड केस होता है। थर्ड केस क्या है, ग्राफ में अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, हमें पता है एनर्जी भी क्या होता है, E=hν इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी होती है E=eV₀, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, और ये भी क्या है, एनर्जी ही तो है, तीनों एनर्जी हैं, तो तीनों आपस में बराबर इक्वल आएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो h न्यू मतलब h प्लैंक कॉन्स्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली आएगी, फ्रीक्वेंसी की। अब कंडीशन ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगी। इसलिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो करंट कितना आएगा, फोटो करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। फोटो करंट कितना आएगा, जीरो। तो ये फोटो करंट कितना आएगा, जीरो आ गया, ठीक है। अगर हम उसके बाद, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है उसके बाद इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, डायरेक्टली मतलब कैसे आएगा, ये बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया। जब फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी
तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, और इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये अलग, ये जो ग्राफ है ये अलग मेटल के लिए है, और ये जो ग्राफ है हमने शो किया हुआ ये ग्रीन वाला, ये क्या है, अलग मेटल के लिए है। ठीक है, ओके, क्योंकि हर एक मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ से क्या है, इसमें एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो जल्दी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखो ये अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये स्पीड इनके अंदर क्या आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पूरी तेजी से कहाँ जाएंगे, इसकी तरफ मूव करते जाएंगे। मूव किया, मूव करेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी ना, मूव करें तो क्या होगा, वही ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ओके, यहाँ से तो ये केस आया। तो अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार है इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक की जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी जो है ठीक है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा है, फिक्स। ठीक है, क्या रखा है, फिक्स। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये केस था ई। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ केस आएगा, जो किया था जैसे हमने लाइट को डाला, क्या किया, मान एकदम से लाइट को हम डालते हैं, जैसे ही लाइट आई तुरंत यहां से क्या निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट फॉल करेगी एकदम से बिल्कुल सडनली, तो ये क्या करेगा, जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी टोटल एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो मीनिंग जैसे ही आएगी एकदम से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या जाएंगे, बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है ये इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम से, बिल्कुल एकदम से होता है ये, यानी है कि वेट करना पड़े। तो इसमें जो आएगा नेक्स्ट है इसका, वो क्या आएगा इसमें कि जो फोटो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट आएगी वैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। टाइम कितना लगता है, 10^-9 सेकेंड से भी बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसमें, इस केस में क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली लूज ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो लाइट आ रही थी, इंसिडेंट लाइट आ रही थी ठीक है, उसका क्या होगा, वो अपनी एनर्जी टोटल की टोटल एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये लाइट आई, इंसिडेंट लाइट है, टकराएगी, टकराते ही क्या करेगी, ये अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगी, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग किस टाइप का कोलिजन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे किस टाइप का कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कि अब सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, लॉस कर दिया। ठीक है, कौन सा, इनइलास्टिक कोलिजन। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस में होता है, के सेल के अंदर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर इन के सेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आया इंपॉर्टेंट, जो एमिटेड जो फोटोन होते हैं हर एक की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, सभी की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग आती है। ठीक है, क्या आएगी, सभी की एनर्जी क्या आएगी, अलग अलग आती है। ये तो किसका था, हालवास और लिनार ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे रिजल्ट जो है उन्होंने फाइंड आउट किया, तो ये आएगा। अब इसी का बेस इन जो पोस्ट जो ये अभी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया है, डाटा आया है, इसका यूज करके आइंस, ठीक है, तो यहाँ पे लाज आएगा किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वो क्या है, इन्होंने देखा था अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से कम है, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये तो ये कंडीशन थी। ठीक है, मीनिंग जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट। ओके,
एच सी एम आर, ये तो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा, तो न्यू लेस देन न्यू नोट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। ये तो फर्स्ट तो यार। सेकंड पॉइंट क्या है, जो करंट है, क्या है, फोटो करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये स्मॉल आई क्या है, करंट है, डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। अब जो करंट है, फोटो करंट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने देखा था वो डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए क्या है, फोटो करंट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड केस क्या था, काइनेटिक एनर्जी का था ना, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो क्या था, काइनेटिक जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उसके ऊपर क्या करेगी, वो डिपेंड करती है। इतना हुआ। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अब ये क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी जो है नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, फोर्थ पॉइंट आता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मीनिंग होता है कि एकदम से, मीनिंग इसमें कोई भी टाइम का कोई गैप नहीं होता, जैसे ही लाइट आएगी एकदम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है, सिलिनियम जो होती है इज मोर सेंसिटिव, सिलिनियम मटेरियल है, क्या है, मटेरियल है, ओके। जो सिलिनियम होता है वो क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, सॉरी नेगेटिव नहीं, सेंसिटिव होता है, ओके। तो सिलिनियम इज मोर सेंसिटिव टुवार्ड लाइट देन कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक में और एक सिलिनियम है, सेंसिटिव कौन आएगा, सिलिनियम ज़्यादा होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो गिव राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो किस में फोटो इलेक्ट्रिक शो करेगा, कॉपर के अंदर शो करेगा। रेड कलर की लाइट और ग्रीन कलर की जो लाइट होती हैं नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एमीटर पे, यहाँ पे कॉपर की मेटल रख दें और यहाँ पे क्या डालें, हम रेड कलर की लाइट या ग्रीन कलर की लाइट डालें, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन निकले नहींगा, ठीक है। रेड एंड ग्रीन लाइट नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर, ये हुआ। नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद जो है, नेक्स्ट टॉपिक है, सिंपल सा है, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके, समझ में आ रहा होगा, आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आपके से क्या, आप ही क्या करोगे, मार्क्स आपके आएंगे, ओके। तो जितने आप मेहनत करोगे तो मार्क्स ही आपके आएंगे, ओके। तो इन नोट्स को क्या है, अच्छे से बना लेना, और क्या है, डेली का डेली एक बार इनको क्या है देख लेना, रीड कर लेना, तो आपको क्या है बिल्कुल ये बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ओके। तो नेक्स्ट है मैक्स प्लैंक्स ला आइडिया, मैक्स प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है, जैसे आपका नाम है तो ऐसे ही क्या है साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक्स, ओके। तो इसमें क्या है, मैक्स प्लैंक्स ने, साइंटिस्ट था उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया था कि जो लाइट होती है, जो सन से मान लाइट आती है, आप धूप में खड़े हो जाते हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाती है, जब आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी तो इसका मीनिंग क्या है कि सन से क्या आ रही है, जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कुछ एनर्जी है।
अब जो एनर्जी है वो हर एक की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, हर जो लाइट आएगी हर एक की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस मैक्स प्लैंक का आइडिया क्या था, जो लाइट है इज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट बंडल ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटा एंड आउट ऑफ वन इज कॉल्ड फोटॉन्स। जो लाइट है वो डिस्क्रीट होती है, मीन डिस्क्रीट का मतलब उसकी एनर्जी जो है एक फिक्स होती है, ठीक है, और वो क्या होती है, जो लाइट होती है वो एक नहीं होती, वो मिक्सअप होती है, ग्रुप होती है, बंडल का मतलब होता है ग्रुप होना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, और उसमें से एक को निकालेंगे तो वो बनेगा फोटोन। एग्जाम्पल के तौर पर जो झाड़ू होती है, ठीक है, एक सींक से झाड़ू नहीं बनती, झाड़ू कब बनती है, जब बहुत सारी सींक को हम ज्वाइन कर देते हैं ग्रुप में, तब क्या बनते हैं झाड़ू। अब वो पूरी झाड़ू में से अगर हम एक सींक को निकालें, ठीक है, झाड़ू में से क्या, अगर एक सींक को निकालें तो वो एक सींक क्या का काम करेगी, फोटोन का काम करेगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब सिंबल जो होता है फोटोन का, वो सिंबल क्या होता है, ये ऐसे, ये सिंबल फिक्स होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन होती है फोटोन की, ठीक है, ये ऐसे वेव की तरह से ये चलेगा ऐसे, ये सिंबल किसका होता है, फोटोन का होता है, ओके। नेक्स्ट आता है जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये प्लैंक्स ने आइडिया दिया था। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट, एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट, ई होता है एनर्जी, ओके। अब जो प्लैंक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है, आपको याद रखना 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये क्या है, जूल मल्टीप्लाई में सेकंड है, ठीक है, जूल माइनस सेकंड नहीं है, ये जूल मल्टीप्लाई सेकंड है, ओके। जो प्लैंक कॉन्स्टेंट है इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है, ये आपने 11th क्लास में भी किया होगा, डायमेंशन फॉर्मूले निकालने, ठीक है, तो ये आता है इसका एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन आएगा। अब ये क्या है, ये किसके बारे में आया, इसकी एनर्जी के बारे में, फोटोन की। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन्स, कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कौन, फोटोन। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, एनर्जी ऑफ जो फोटोन कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। जो फोटोन है, फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो फोटोन होता है वो सीधी लाइन में चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, वो घूम के ऐसे नहीं आता है, ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वो फिक्स चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है। एग्जाम्पल है इसका, सन से जो लाइट आती है वो क्या आती है, सीधी आती है, हमें बिल्कुल सीधी पहुंचती है हमारी तरफ, ठीक है, तो वो क्या है, फोटोन, ओके। सेकंड पॉइंट आता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, जब लाइट रेस्ट में होगी, ठीक है, तो उसका मास कितना आएगा, जीरो, हम मेजर नहीं करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, मेजर नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फोटोन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, फोटोन हैव नो चार्ज, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं होता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आएगा, देर इज, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन फोटोन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ जो फोटोन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो फोटोन जो है वो वैक्यूम में जब ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी, 3 × 10⁸ मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोटोन है मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम होता है, ठीक है, फोटोन का क्या होता है, मोमेंटम, पी इज इक्वल टू ई बाय सी आता है, या पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, लैम्डा होता है वेव लेंथ होता है, क्या होता है, वेव लेंथ, ओके। तो यहाँ से क्या है, ये देख लो एक बार, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने दिया था इक्वेशन, एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी इंटू सी कर दिया हमने, एम सी क्या है, मोमेंटम, और ये क्या है, तो पी सी, तो पी क्या है, ई बाय सी, ई क्या होता है, एनर्जी, एच न्यू, तो इस ई की वैल्यू कितनी थी, पी सी, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो पी सी इज इक्वल टू एच न्यू, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एच न्यू बाय सी, और ये न्यू बाय सी क्या होता है, 1 बाय लैम्डा, ठीक है। यहाँ से यार सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट क्या कहता है,
तो सेवन्थ पॉइंट में आएगा जो इतने भी फोटोन होते हैं, डिफरेंट फोटोन ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन ए मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज इन डिफरेंट मीडियम। हर एक फोटोन की जो स्पीड होती है वो अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, मान लिया मीडियम भी सेम ले लिया और फोटोन डाले हमने, ठीक है, तो हर एक फोटोन अलग अलग होते हैं, एनर्जी भी अलग अलग होती है, तो उनकी क्या आएगी, वेलोसिटी भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या, वेवलेंथ क्या होता है मीडियम का, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ लाइट निकलती हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ एमिटेड इन, यहाँ पे दे दिया एक सेकंड में नहीं मान, अब यहाँ पे दिया मान लिया टी सेकंड फ्रॉम ए लैंप ऑफ पावर पी, कोई लैंप है उसकी पावर दे दी पी, तो वो एक सेकंड में या दो सेकंड में या तीन सेकंड में या चार सेकंड में या पाँच सेकंड में वो कितनी जो है लाइट को निकालेगा, कितने नंबर ऑफ फोटोन को अपने अंदर से निकालेगा। ये फॉर्मूला है, एन है नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पी पावर है, जो भी आपने लैंप लिया है या ट्यूब ली है या मर्करी लिया है या टेबल लैंप लिया है, ठीक है, उसकी पावर है, पावर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई वेवलेंथ डिवाइड में एच है प्लैंक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट। इतना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइन्थ है, इसकी प्रॉपर्टी जो है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में। ई क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा के बराबर होता है। एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है, ये फिक्स होती है, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मान लिया रख दी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी क्या है, फिक्स है। तो जब हमने सोल्व किया, एच और सी को सोल्व किया, ठीक है, फिर इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड से, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आया 1242, ठीक है, 1242 बाय में लैम्डा, और ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, उसकी एनर्जी आएगी, किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी प्रॉपर्टी जो है, टेंथ प्रॉपर्टी है, फोटोन सो डाइफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। डायफ्रैक्शन प्रोसेस होता है कि जो हमने कंडीशन दी हुई हैं, कंडीशन के अंदर, तो फोटोन क्या करता है, अपना रास्ता चेंज करता है। ठीक है, अगर हम ओपन में करेंगे तो फोटोन सीधा ही आएगा, लेकिन उसको क्या करें, कुछ कंडीशन लगा दे, उसके बाउंडेशन लगा दें, तो वो क्या करेगा, सीधा भी ट्रेवल नहीं करेगा। तो क्या है, फोटोन सो डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का मीनिंग बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ये ऑप्टिक्स में आएगा, पूरा टॉपिक है पूरा डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन होता है कि रास्ता चेंज करना, जब भी कोई चीज़ किसी भी शार्प किनारे से पास आउट होगी तो अपना रास्ता क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं इसके, ठीक है, अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट जरूर डाल देना। ओके, क्या है, कमेंट जरूर डालना, और इस चैनल को क्या है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जब आप शेयर करोगे तभी तो क्या है, ग्रोथ होगी। ठीक है, मेरा मोटिव भी क्या है, क्लियर होगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, तो नेक्स्ट आता है, इसके बाद है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, वो तो क्या है, सभी बच्चों ने सुना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। ठीक है, तो उस टाइम पे आइंस्टाइन भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने किसका यूज किया था, उन्होंने प्लैंक्स का आइडिया का यूज किया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प की थी। ठीक है, उनको इसके ऊपर क्या है, नोबेल प्राइज भी मिला था फिर, लेकिन लेट मिला था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी अभी चेक करेंगे। आइंस्टाइन यूज द आइडिया ऑफ प्लैंक्स इन 1905। प्लैंक्स का आइडिया किसने यूज किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया था। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि जो लाइट आएगी, ये लाइट आई, आने वाली लाइट है, ठीक है, ये लाइट आई, टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन जो
मेटल कैप टाइटली बाउंड था उसको तोड़ने में हेल्प करेगी, पहले तोड़ेगी, तोड़ने के बाद क्या करेगी, उसको जब इलेक्ट्रॉन टूट गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इससे बाहर जाएगा सरफेस से। तो मीनिंग जो लाइट आ रही है, एक तो क्या आएगा उसको तोड़ने में, बॉन्ड को तोड़ने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भागा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, दो केस, जो इंसिडेंट एनर्जी है इज यूज इन टू पार्ट्स, एक तो आएगा वर्क फंक्शन जिसको हम बोलते हैं फाई नॉट, दूसरा क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन भागा है इसकी काइनेटिक एनर्जी। एक और एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, तवा होता है घर पे चपाती बनाने के लिए, ठीक है, जब आपकी मम्मी चपाती रेडी करते बनाने के लिए, पहले तवा गर्म होगा, नीचे से हीट आएगी, तवा गर्म होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि वो रोटी पकेगी, उसको पकाने में एक एनर्जी खर्च होगी, दूसरा केस। तीसरा केस क्या आएगा, जो एनर्जी और बच जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, तवे से साइड में निकल जाएगी और वो क्या करेगी, सुरंडी को गर्म करेगी। ठीक है, ओके, तो नीचे से जो आने वाले हीट थी वो तीन पार्ट में यूज हो गई थी तवे के केस में, एक तो रोटी पकाने में, एक तवे को गर्म करने में, एक सराउंडिंग को गर्म करने में। एक और होता है वैसे तो लाइट, थोड़ी बहुत लाइट तो निकलती है ना, उसमें भी वो यूज हो जाती है। तो ऐसे क्या क्या था, आइंस्टाइन ने बताया था जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज होती है, एक होता है वर्क फंक्शन में, एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। ये जो इफेक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता था इसमें, जो फाइंड आउट किया गया आइंस्टाइन ने, कि जो एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आएगा वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या करेगा, इंट्रैक्शन शो करेगा। ये नहीं कि एक फोटोन आया उसने 10 के साथ इंट्रैक्शन शो किया, नहीं, एक टाइम पे एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसका नाम दे दिया गया वन या सिंगल फोटोन इंट्रैक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वन फोटोन या वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेटल है, ब्लैक कलर का हमने क्या बनाया हुआ है, ये मेटल बनाई हुई है, कंडक्टर है, ये रेड कलर का क्या है, आने वाली जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी एनर्जी क्या है, इजिकल टू एच न्यू। ओके, ये जो लाइट आई थी ये दो पार्ट में खर्च होगी, एक तो वर्क फंक्शन में, एक इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ओके, ये डायग्राम समझने के लिए है। तो ये बताया हुआ है जो टोटल एनर्जी थी, इंसिडेंट एनर्जी है ई, ये किसके बराबर आएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ से ई क्या आया, फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ओके, फाई नॉट कितना है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, इसके लिए पुट कर दी। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, यहीं पर रह जाएगा। तो हमने इसको उठाया, ये किस में था, राइट में, इसको कहाँ लेके चले गए, लेफ्ट में। तो एच न्यू माइनस, ये उधर जाके क्या बनेगा, माइनस एच न्यू नॉट। अब एच क्या ले लिया, कॉमन, एच क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो कॉमन आया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। या अब ये क्या है, एनर्जी ही तो है, क्या है, एनर्जी। ओके, और एक एनर्जी किसकी फॉर्म में भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी तो होती है ना, तो ई को हमने लिख दिया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, क्या होता है, सी बाय लैम्डा, और ये वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट को हमने एच डी लिख दिया। एक ये फॉर्म आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में आ गई एनर्जी, ठीक है, और वेवलेंथ की फॉर्म में आ गई। ओके, किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब ये क्या था, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। ओके, अब इस इक्वेशन की क्या करेंगे हम, एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के मेन रिजल्ट क्या क्या आए। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है नोट्स, ठीक है, और अपना कमेंट जरूर डालना है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर डालना है। ओके, थैंक यू।